नमस्कार, मैं शेफ नितिन, आपका सब सब आप सभी का स्वागत करता हूँ अमूल फेसबुक लाइव में, होममेड रेसिपीज में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आज अमीनाबाद पुणे में है। इफ यू वांट यू कैन प्लान योर वीकेंड विथ अमीनाबाद पुणे, और यू कैन प्लान लॉन्ग वीकेंड और इवेंट विथ अस। यू कैन हैव ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वी हैव ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, यू कैन हैव लुक ऑफ आवर प्रॉपर्टी। वेलकम टू अमीनाबाद फन किचन। आज हम बना रहे हैं पोटैटो नोकी। नोकी कुछ नहीं है, एक बेसिक इटालियन पास्ता है। तो हम उसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ऐसा मशरूम एंड केल नोकी, वी हैव सम शिताके मशरूम, केल, सम माइक्रोग्रीन्स फॉर द गार्निश, सम पोटैटो फॉर द नोकी मेकिंग, some cherry tomato, some button mushroom, some amul butter, we have some amul cheese, fried kale for the garnish, we have amul cream and some the condiments. Before we start we take a sanitizer for sanitation. Okay, so hum abhi start karte hain नोकी का डो, बेसिक पास्ता, ऐसा इटालियन पास्ता। नोकी का डो बनाने के लिए हमको चाहिए बॉयल पोटैटो। जब भी हम नोकी बनाएंगे तभी पोटैटो गर्म होना चाहिए, अगर वार्म रहता है तो नोकी अच्छा बनता है, अगर उस टाइम पे उसमें लम्स नहीं आते। तो हम लेंगे पहले पोटैटो लेंगे जो पहले से मैश करके रखा हुआ है, ठीक है। 1 egg, 1 unit, 1 salt, 1 white pepper। एक बार रिपीट करो, क्या बना रहे हो? एक बार रिपीट करो। तो मैं रिपीट करता हूँ, इसमें क्या क्या डाला। मैश पोटैटो लिए, पहले से ही बॉईल करके रखे थे पोटैटो, उसको मैश किया, वार्म मैश पोटैटो। 1 egg, सॉल्ट, पेपर और डैश ऑफ नटमेग। नटमेग हर्ब क्यों डालते हैं? तो पास्ता को थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और उसमें हम डालेंगे फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, 2 स्पून ऑफ रिफाइंड फ्लावर। देन हम मिक्स करेंगे हेल्प ऑफ फोर्क। तो शेफ, आज अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हम बना रहे हैं मशरूम एंड केल नोकी। ओके, इटालियन होममेड पास्ता। ओके, इस टाइप काइंड ऑफ पास्ता। बेसिकली हमने बहुत टाइप के पास्ता देखे, पेने पास्ता देखा, देन रावियोली देखे, जो मतलब इस काइंड ऑफ पास्ता। तो ये तो सबके एक फेवरेट रहता है कि पेने पास्ता खाते हैं, स्पेगेटी खाते हैं विथ टोमेटो सॉस और वाइट सॉस और पिंक सॉस के साथ है। बेसिकली हम लोग को वो अच्छा लगता है, बट ये पास्ता ऐसा है कि एक डिफरेंट है। और उसमें हम ऐड करेंगे तो केल ऐसा है, केल उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल सुपर फूड है। वो केल उसमें विटामिन ए है, डी है, B6 है और लॉट्स ऑफ आयरन है। तो इट्स गुड फॉर योर वेट लॉस ऑल्सो एंड फॉर द
फॉर द कैलोरीज, इट डजंट हैव टू मच कैलोरीज एंड दिस वन। तो शेफ, अगर आप अपन को घर पे गनोकी बनानी है तो इसके लिए प्रोपोर्शन क्या रहेगा शेफ? उसके लिए 1 कप ऑफ मैश पोटैटो, 2 स्पून ऑफ फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, डैश ऑफ सॉल्ट, डैश ऑफ नटमेग एंड हाफ एग। हाफ एग को आप जस्ट योग डाल सकते हो उसमें। ओके, तो हम लाइटली उसको लाइटली मिक्स करेंगे। उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर उसमें ज़्यादा प्रेस करेंगे तो नोके एकदम टाइट होगा, एक सॉफ्ट नहीं आएगा, जैसा हम कुक करने के बाद है ना, बॉईल करने के बाद उसको ये नहीं होगा, इट्स टाइट होगा, सॉफ्ट नहीं आएगा। से इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे शेफ? नोकी, स्पेलिंग GHNNOCHI। ओके शेफ, ये एक हैंडमेड पास्ता है शेफ? इसे हैंडमेड पास्ता, इसे इटालियन हैंडमेड पास्ता, ये रेयरली बनाते हैं, ज़्यादा लोग पसंद नहीं, मतलब लोग बनाने के लिए वो थोड़ा ये नहीं करते, क्योंकि सब अभी पेने पास्ता हो गया या स्पेगेटी हो गई, वह सब पैकेट में मिल जाता है। तो ये सब आपके पास जो भी पोटैटो बचे हुए जो कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। तो सिर्फ अभी अपन क्या कर रहे हैं? अभी हम इसको रोल कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में रोल करेंगे, राउंड राउंड करेंगे, और फिर उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। अभी कट करने के बाद अभी कट करते वक्त नाइफ को थोड़ा सा ये लग जाता है, उसका ये लग जाता है, तो थोड़ा सा फ्लावर में हम डिप करेंगे तो अभी वो चिपक चिपकती है। वन ऑफ आवर व्यूअर इज आस्किंग, कैन वी अवॉइड एग? इस देन यू कैन ऐड चीज़ इन इट, यू कैन अवॉइड द एग, बट यू नीड टू ऐड अ चीज़, यू नीड सम बाइंडिंग फॉर दैट वन, फॉर पास्ता नीड सम बाइंडिंग, तो इसके लिए आप एग अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसे राउंड राउंड बॉल बनाएंगे हम छोटे छोटे, ठीक है, ये छोटे छोटे बॉल्स बन गए। अभी अभी रोल करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, फोक, हमारे पास फोक रहता है, फोक लेंगे, वो फोक से हल्का सा उसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें जो नोके का जैसे मार्क आ जाएगा, सी आप देखा जा रहा है मार्क, ऐसा क्यों किया जाता है? इसे शेप के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक शेप नहीं है नोके का, हम स्क्वायर में बना सकते हैं, राउंड में भी बना सकते हैं, जस्ट इसे अच्छा दिखता है, इसके लिए हम ऐसा शेप देते हैं, इसे सिग्नेचर शेप ऑफ नोके। तो शेप इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है? नहीं नहीं, इसका स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है, तो कोई राउंड में बनाता है, कोई स्क्वायर में बनाता है, जैसा काटा वैसे ही। अभी बॉईल करने का तरीका क्या है, अगर हम बॉइलिंग वाटर रखेंगे, शेप वन ऑफ योर व्यूअर इज आस्किंग कि हम कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं? हम अमूल का चीज़ यूज़ करते हैं, आप कौन सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर अमूल का चीज़ यूज़ किया गया तो उसका अमूल का टेस्ट अच्छा है, तो हम अमूल का चीज़ यूज़ कर रहे हैं अभी आज। तो हम वन बाय वन नोकी छोड़ेंगे यहाँ पे पानी में, आप सभी को पता तो है, आप सब हम सब लोग इतना बड़ा कोरोना के वजह से पैंडेमिक जा रहा है, उसमें हम जो प्रिकॉशन मेजर्स है वो ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब कुछ खुल रहा है, तो ये आसान रेसिपी है जो कि आप घर में बना सकते हैं, और इज़ गुड फॉर द हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि वो आपका गला ख़राब हो सकता है या आपको सर्दी हो सकती है, और ये जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, तो इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होगा। तो पास्ता हम बॉईल करते हैं, तभी जस्ट आप बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर पे रखना है उसको,
तो सिर्फ पानी में और कुछ डालना है अपने को बॉईल करते हो? सॉल्ट डाला है और हल्का सा आप ऑयल डाल सकते हैं ताकि वो एक दूसरे को चिपक ना जाए। ये ऑलिव ऑयल है सिर्फ और कुछ? ऑलिव ऑयल, तो हमने ऑलिव ऑयल ऐड किया उसमें। तो हम एक साइन हम अंडरस्टैंड कैसा करेंगे कि नोकी पक गया करके, तो जैसा जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सब नोकी नीचे था वो एक एक करके ऊपर आ रहा है, ठीक है, एक एक करके ऊपर आ रहा है। तो ऊपर आया और पानी पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि नोकी पक गया। ठीक है, हेल्प ऑफ परफोरेटेड स्पून हम नोकी को निकालते हैं। हम ये नोकी को हम निकाला यहाँ पे और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे ताकि वो एक दूसरे को स्टिक ना हो जाए। पास्ता बेसिकली क्या है, फ्लावर है उसमें, पोटैटो है और एक गैन चीज है। डन, कुछ क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग? एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, तो हम अभी बनाएंगे उसका सॉस बनाएंगे नोकी का। सॉस बनाने के लिए लेंगे सम ऑलिव ऑयल। ठीक है, जैसा ऑलिव ऑयल गर्म हो जाता है, ठीक है, हल्का सा हीट होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे सम गार्लिक। शेफ, कैन वी यूज बटर फॉर इट? हम डालेंगे बाद में, डालेंगे बटर भी उसमें डालेंगे, बट थोड़ा सा बाद में डालेंगे क्योंकि पहला अनियन और अच्छे से गार्लिक को सौते कर लेते हैं, फिर हम उसमें डालेंगे बटर। ठीक है, हम एक स्पून चॉप गार्लिक लिया है, हल्का सा उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। देन हम डालेंगे उसमें चॉप शैलेट्स और चॉप अनियन। अनियन देखना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पास्ता में है, तो अनियन ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, तो वो एक हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और जब ये अनियन सौते करते हैं। आवाज़ मारो, आवाज़। ठीक है, ये अनियन सौते हो गया, देन इसमें हम ऐड करेंगे सम बटन मशरूम। सर, वन ऑफ आवर व्यूअर हैज जॉइंड लेट, सो क्या आप रेसिपी डिस्क्राइब कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में? श्योर, डेफिनेटली। तो हम आज बना रहे हैं मशरूम एंड केल नोकी। नोकी का डो बनाने के लिए हमने लिया 2 कप ऑफ मैश पोटैटो, उसमें 1 कप ऑफ फ्लावर एंड 1 एग, सॉल्ट, पेपर एंड सम नटमेग गिनी। तो उसे हल्का सा हल्के हाथों से रोल करके उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए, रोल किए और रोल करने के बाद ब्लांच किए, तो ऐसा नोकी बन जाएगा, एक होममेड हैंडमेड पास्ता हो गया। ठीक है, पोटैटो नोकी। तो उसके बाद में हम उसका बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए हमने लिया ऑलिव ऑयल, गार्लिक, अनियन एंड सम मशरूम, और ये हमारे पास एक और एक मशरूम है, इसका नाम है ऑयस्टर मशरूम। ठीक है, ऑयस्टर मशरूम ऐसा फुल ऑफ प्रोटीन, मतलब सब मशरूम में प्रोटीन रहता है, बट इसमें और एक ये है कि इसमें फाइबर ज़्यादा है और एक इसलिए वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं। तो
हम उसमें डालेंगे एम्पल अमाउंट ऑफ केल। केल एक लीफी वेजिटेबल है, लीफी लेट्यूस वेजिटेबल है, तो केल में केल का एक बेनिफिट है उसमें लॉट्स ऑफ विटामिन है, विटामिन ए के वी सिक्स और आयरन, एंड ये इसके लिए अच्छा है अपना वेट लॉस के लिए अच्छा है केल। ये हम केल ऐसे भी खा सकते हैं एज ए सैलेड, और हम उसको कुक भी करते हैं और उसका प्यूरे भी बना सकते हैं, जैसे कि आपकी पसंद जैसा है उसी हिसाब से। सो टुडे वी आर कुकिंग मशरूम केल नोकी, इट्स एन इटालियन पास्ता। वे आर एट आमनोरा दफन पुणे। ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा सा स्टॉक ऐड किया ताकि वो डिग्लेज हो जाएगा, जो सब नीचे चिपक नीचे जो चिपक गया था वो सब निकल जाएगा। उसके बाद में हम ऐड करेंगे सम बटर इन इट, अमूल का हम यूज़ कर रहे हैं, अमूल का बटर फॉर पास्ता। शेव अपन ने मशरूम बॉईल करके लिया है अभी? नहीं, मशरूम रॉ मशरूम है, उसको जस्ट सौते किया, हल्के से सौते किया। ठीक है, सम सॉल्ट डाला, हल्का सा चिली फ्लेक्स टू गिव अ लिटिल स्पाइसीनेस फॉर द पास्ता, और थोड़ा सा हमारे पास चॉप पार्सली है। बेसिकली पास्ता में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ब्स यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी पास्ता का एक अलग सा फ्लेवर रहता है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर यूज़ नहीं करते इसके। अभी हम ऐड करेंगे अमूल का क्रीम, अराउंड हाफ कप ऑफ अमूल क्रीम, थोड़ा हम उसमें कुक करेंगे क्रीम को ताकि उसका फ्लेवर और सब वेजिटेबल्स का ये एक साथ हो जाए। हमारे पास अमूल के प्रोडक्ट है आज, हमारे पास अवेलेबल है अमूल चीज़, अमूल क्रीम, अमूल का बटर है, अमूल का स्लाइस चीज़ है, और अमूल का हर्ब गार्लिक बटर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सॉस रेडी। इसमें हम थोड़े से चेरी टोमेटो ऐड करेंगे टू गिव अ लिटल कलर एंड टेंजीनेस टू द पास्ता। और थोड़ा सा हम स्टॉक ऐड करेंगे तो पास्ता को कंसिस्टेंसी देने के लिए। ठीक है, अपने पास से मिक्स पास्ता है ऑलरेडी, अभी जस्ट ब्लांच किया था। बेसिकली उसको क्या करते हैं, अगर आपको कल यूज़ करना है या थोड़ी देर बाद यूज़ करना है, तो अगर जब भी ब्लांच करते हैं उसको वाटर में डायरेक्टली डालो और डाल के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर कट डाउन हो जाएगा, तो कैरी ओवर कुकिंग नहीं होगा और नोकी टूटेगा नहीं। हम उसमें डालते हैं नोकी जो हम अभी बनाए थे। तो ये हमारा रेडी हो रहा है मशरूम एंड केल नोकी। शेफ, और कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कुछ किसी का क्वेश्चन है क्या? शेफ, एक बार आपने सब रिव्यू को जो अपने रिव्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ आप बताएंगे कुछ टिप्स ये पास्ता के लिए? जब आप पास्ता बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसको इमीडिएटली आइस वाटर में डालेंगे तो उसको ओवर कुकिंग नहीं होगा। जब भी हम कुक करते हैं, कोई भी चीज़ कुक करते हैं, तो उसका जो कोर टेम्परेचर, कोर मतलब उसका बीच का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई अमाउंट हाई टेम्परेचर रहता है, तो उसको अगर आइस में डालेंगे या इंस्टेंट कूलिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर कट डाउन हो जाता है और उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वहाँ पे रुक जाता है, तो उसका जो फ्रेशनेस और शेप और वैसे रिटेन रहता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको इंस्टेंट कूल कर सकते हैं, और आपको जब भी चाहिए तभी आप सॉस बना के इसको खा सकते। ठीक है, अभी हम इसके पास्ता के पास्ता प्लेट में डालेंगे पास्ता, होममेड पास्ता मशरूम एंड केल नोकी, इस इटालियन होममेड पास्ता।
अब हम इसमें यूज़ करेंगे लिटल हम पासली है, चॉप पासली है फॉर द गार्निश, चॉप पासली गार्निश के लिए यूज़ किया, और लिटल चिली फ्लेक्स फॉर द गार्निश। ओके, देन वी हैव सम फ्राइड केल, जो हमने रॉ केल यहाँ पे यूज़ किया है उसको हम मैंने डायरेक्टली उसको फ्राई किया हुआ है, जस्ट फ्राई केल फॉर द गार्निश टू गिव यू नो डिश को एक अच्छा सा बॉडी और कलर मिल जाए, वाइब्रेंट कलर मिल जाए। ओके, देन और है अपने पास सम माइक्रो हर्ब्स है फॉर द गार्निश। सो वन ऑफ आवर व्यूअर इज आस्किंग शेफ कि नोकी मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में दो टाइप में अवेलेबल है, एक ड्राई फॉर्म में आता है प्लस फ्रेश फॉर्म में आता है। तो ड्राई फॉर्म में आता है उसको थोड़ा सा ब्लांच करना पड़ता है, और ब्लांच करके फिर उसको रूम टेम्परेचर करके फिर उसको ये करना पड़ता है जो फ्रोजन है उसको। ये बन गया अपना मशरूम एंड केल नोकी, इट्स अ होममेड सिंपल रेसिपीज। एंजॉय, थैंक यू।